तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। अगर आप कुछ टाइप का फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो और घंटे को प्रेस करना ना भूलना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस, अगर आप आज कुछ स्पेशल करते हैं गाइस, अगर आप फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो हमारे वीडियो में बने रहना, वीडियो को मिस मत करना गाइस। अगर कहीं छूट गया तो आप सीख नहीं पाओगे गाइस। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ओपन करना है और अपने फ़ोटो को अपने पिक्सआर्ट में ऐड करना है गाइस, ठीक है। तो चलते अपनी फाइल में और अपने यहाँ बैकग्राउंड सबसे पहले ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद गाइस अपने चलते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस अपने जो आपका फ़ोटो है यहाँ पे मैं सेट करूँगा। तो कुछ एक इस तरीके से यहाँ पे मैं सेट करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो आप भी यहाँ से अच्छे पोज में कोई फ़ोटो क्लिक करवाना, ज़रूरी नहीं कि यही पोज में आप फ़ोटो क्लिक करवाओ। आपका जो मस्त वाली पोज होगा गाइस आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो वैसे हमारा जो फोटो सेट हो चुका है गाइस, तो यहाँ पर मैं डन करता हूँ और फिर से चलता हूँ ऐड फोटो में गाइस। तो ऐड फोटो में जाने के बाद फिर से अपने फाइल में जाने के बाद गाइस फिर से आपको क्या करना है, कुछ PNG है, मैं यहाँ पे 2 PNG ऐड करता हूँ और फिर से यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूँगा। तो हमारी जो फोटो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दूँगा और कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने अच्छे से ये सेट हो चुकी है। और ये एक दूसरा जो पार्ट है मैं इसको भी नीचे सेट करूँगा। तो गाइस हल्का साइज़ को क्या करूँगा, हल्का थोड़ा छोटा करूँगा और ये, ठीक है। तो इसको मैं डन करूँगा गाइस और फिर से जाऊँगा ऐड फोटो में और फिर से अपने फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद गाइस क्या करना कि आपको दो एक स्टिक लेना और एक झंडा लेना, ठीक है। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है और आपको स्टिक को यहाँ पे हैंड पे लगाना है, ठीक है। तो उसको स्टिक को मैं बड़ा कर लूँगा और थोड़ा इसको जो है छोटा, मैं थोड़ा साइज़ बड़ा लग रहा था गाइस, तो इसको मैं छोटा करूँगा और इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगा गाइस, ठीक है। और इसका क्या करना है, आपको ये झंडे को यहाँ पे सेट करना है। तो गाइस थोड़ा क्या करना है, आपको थोड़ा स्टिक को हल्का सा घुमा देना है इस तरीके से, ठीक है। और ये झंडे को यहाँ पे सेट करना है और थोड़ा इस तरीके से थोड़ा, और गाइस क्या करना है, थोड़ा झंडे को भी ऐसे घुमा देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस, उसका क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसको कम करना है। उसके बाद क्या करना है, इरेजर पर क्लिक करना है गाइस और जितने आपके बॉडी पार्ट में दिख रहे हैं उसको आपको इरेज करना है, ठीक है। तो थोड़ा हार्डनेस को बढ़ा लेना है और साइज़ को छोटा कर लेना है। उसके बाद इतना बॉडी पार्ट में दिख रहा है उसको हटा देना है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो है यहाँ पे जो झंडा है अच्छे तरीके से सेट हो चुका है गाइस। अब क्या करना है, कुछ स्टिक पे क्लिक करना है, थोड़ा स्टिक को भी नीचे करना है हल्का सा स्लाइड करके, ताकि आपको पता चले कि कहाँ से कट करना है और कहाँ से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इरेजर पे क्लिक करूँगा गाइस और फिर से इस पर क्लिक करके यहाँ पे हार्डनेस को बढ़ा लूँगा, साइज़ को छोटा कर लूँगा और यहाँ पे जूम करके और जितने आपके हैंड पे दिख रहे हैं उसको मैं इरेज करूँगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो स्टिक है अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ बढ़ा लूँगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ पे डन करता हूँ और फिर से जाऊँगा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद अपनी फाइल में आ गया। अपनी फाइल में आने के बाद कैसे करना है, कुछ यहाँ पे ये PNG है जय श्री राम का और ये पिक्कल में यहाँ पे सेट कर लूँगा गाइस, ले लूँगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐड टू पे क्लिक कर देना है गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको इस स्टिक को यहाँ पे सेट करना है कुछ इस तरीके के, यहाँ पे सेट कर दूँगा गाइस। तो आपको भी आप अच्छे तरीके से सेट करना है गाइस, इसको हल्का सा कम कर दूँगा और फोटो को थोड़ा कम जूम करके देख लूँगा कि परफेक्ट हमारा जो टीका है सही बैठा है कि नहीं बैठा, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो कितने अच्छे से वो टीका लग रहा है कि रियल में है भाई लगाया हुआ है। तो गाइस इसको भी यहाँ पे थोड़ा इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगा और आपको क्या करना है, इस ब्रांड पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो है जय श्री राम का PNG वो सेट हो चुका है गाइस। तो आप क्या करना है, आपको यहाँ से थोड़ा हमको कुछ इस पर डाउट लग रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से मैं सेट कर दूँगा
थोड़ा अच्छा लगे। ये नहीं कि आप हड़बड़ी में हो फोटो एडिट करने के लिए बैठ गए कि आपका फोटो सही, इसलिए इसी कारण से आपका फोटो है तो सही नहीं बन पाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि टाइम दो और अच्छे से फोटो एडिट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेट हो चुका है मैं इसको डन कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ जो फेस में कुछ पिंपल्स दिख रहे हैं गाइस और कुछ ऐसा दाग वाग दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा रिमूव करूँगा, हटाऊँगा गाइस यहाँ से थोड़ा। तो क्या करना है आपको, ब्यूटी पे क्लिक कर आपको इस फेस पे क्लिक करना है और इसको फोटो को जूम करना है गाइस। फोटो को जूम करने के बाद आपको इससे हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारा फोटो जो फेस है स्मूथ हो जाएगा गाइस। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारा जो फेस है स्मूथ हो चुका है। तो बस आपकी फेस में करना है और बाकी अब यहाँ देख लो हाथ उसमें थोड़ा मोड़ा दिखा है हेयर, तो यहाँ पे हटा सकते हो, इसे स्मूथ कर लो, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं स्मूथ कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो है स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ पे मैं डन कर लूँगा। डन करने के बाद गाइस आप क्या करना है, आपको सीधा चलना है लाइटरूम ऐप में, उसमें कुछ कलर सेटिंग करने वाला है गाइस। तो चलते हैं इस फोटो को सेव कर लेते हैं गाइस। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना है, ड्रा टूल में जाना है। ड्रा टूल में जाने के बाद आपको गाइस इस तीन डॉट पर क्लिक करना है और सेव इमेज पर क्लिक करके सेव कर लेना है गाइस फोटो को। तो गाइस चलते हैं सीधा लाइटरूम ऐप में, वहाँ पर कलर सेटिंग करते हैं। तो गाइस देखो हमारा जो फोटो है लाइटरूम में आ चुका है गाइस। तो आप क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे कुछ कलर सेटिंग करना है, ठीक है। तो फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइट पे सेट करना है, क्लिक करना है गाइस। तो आप उसको हाईलाइट पे यहाँ पे थोड़ा कम कर देना है गाइस, ठीक है, ताकि आपको जो फोटो है जो बैकग्राउंड है उस टाइप का कुछ आपका फेस या बॉडी कलर जो मैचिंग कर जाए, तो उससे कुछ ज़्यादा फोटो बेस्ट लगता है, ठीक है। और इसको थोड़ा बढ़ा लूँगा, थोड़ा हाइट को हल्का सा बढ़ा लूँगा, हल्का सा, ठीक है। थोड़ा वाइट को देख लूँगा, हल्का सा वाइट थोड़ा यहाँ पे रखूँगा और थोड़ा ब्लैकनेस को यहाँ थोड़ा ब्लैक को थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। उसके बाद चलते हैं गाइस कलर करने के लिए। तो आपको मिक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हल्का सा मैं यहाँ जो जितने रेड रेड दिख रहे थे यहाँ पे देखो रेड है, तो यहाँ पे जो ऑरेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ देखते हो गाइस, यहाँ पे अपने हिसाब से गाइस कलर सेटिंग करना, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे, थोड़ा इसको भी यहाँ पे कर लेंगे, इसको भी थोड़ा सा लाइट कर लेंगे और इस पर थोड़ा सा इसको भी डार्कनेस कर देंगे, इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेंगे, ठीक है। और इसको तो अब कुछ नहीं करना है, ज़्यादा फोटो कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा फेस को थोड़ा लाइट कर देना है ताकि जो फेस है बिल्कुल मस्त लगेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं अपनी फोटो को जो यहाँ पे डन करूँगा गाइस, डन करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लूँगा इसको, ताकि जो फोटो का डार्कनेस है थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे, बढ़ जाए। तो फोटो को डार्कनेस बनाने के लिए आप इसको पूरा सेटिंग करने वाला कुछ बढ़ा सकते हो। देखो गाइस कि हमारा जो फोटो डार्कनेस कितना ज़्यादा हो रहा है गाइस, अगर हमें कम करना है तो यहाँ से आप कम कर सकते हो, ताकि हमको कम नहीं रखना है गाइस, बढ़ा के रखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हल्का सा रखूँगा गाइस। उसके बाद क्या करना है, कुछ यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी देना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको दे सकते हो। तो गाइस उसके बाद थोड़ा फेस स्मूथ करने वाला है गाइस। तो फेस स्मूथ करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये कर लेना, ताकि जो फोटो का है ये बिल्कुल हम देख जाए क्या करना है नहीं करना है। देखो मतलब एक एक चीज़ आपको दिखेगा, देख सकते हो, और इसको कम कर देंगे देखो कुछ ना कुछ आपको फ़र्क दिखेगा। देखो तो आप देख सकते हो गाइस, आपके सामने मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है, देखो ना गाइस आप देख सकते हो, फिर से मैं कम करूँगा तो आप देख सकते हो कि इसको बढ़ाने से आता है कि आपका फोटो एकदम क्लैरिटी बढ़ जाता है, देखो, ठीक है। उसके बाद आपको फेस स्मूथ करना है, तो फेस आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे स्मूथ होगा, थोड़ा टाइम लगता है, देखो ऐसे स्मूथ हो रहा है ना, इसे अब इसको कम कर देंगे तो फेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, देख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे स्मूथ कर लेता हूँ, तो वैसे देखना यहाँ पे देखो कितने अच्छा स्मूथ लग रहा है फेस। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर स्मूथ कर लेना थोड़ा सा, देखो ऐसे कितना बेहतरीन लग रहा है गाइस, आप देख सकते हो। तो बस इसको यहाँ पे डन करते हैं गाइस। आप देख सकते हो हमारा जो बिल्कुल जो फोटो परफेक्ट सेट हो चुका है गाइस। तो बस आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो मस्त वाली बन चुकी है गाइस। तो बस आप इसको क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको तीन डॉट पे क्लिक करना है और आपको सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके सेव कर लेना और यहाँ पे ओके पे क्लिक करके सेव कर लेना गाइस। तो यहाँ पे हमारा फोटो जो सेव हो रहा है गाइस, कुछ टाइम लगता है बाकी सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव यहाँ फोटो हो जाता है गाइस। तो बस आपको एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ गाइस, चलो इसको बस सेव होने दो। तो बस यहाँ पे हमारा जो फोटो है सेव हो गया है। अब गाइस देखते हैं कि यहाँ फोटो जो पिक्सआर्ट में था कुछ इस टाइप का था,
और कुछ लाइट रूम में आने के बाद हमारे फोटो का चेंजिंग जो होता है, देखो कितना बेहतरीन लगता है लाइट रूम में आने के बाद। तो बस आप देख सकते हो बस, देखो क्या लगता है यार फोटो एडिट कर रहा है। तो बहुत अच्छे से आप काम करो और दिल से काम करो, काम अच्छा ही होता है, ठीक है। ये आप ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश मत करना, अगर आप बिगनर हो तो ज़्यादा कम ज़्यादा टाइम दो और अच्छे से एडिट करो। बाकी आप जो एडिट करते हैं वो लोग कुछ हैबिट होते हैं तो वो लोग अच्छे से एडिट जल्दी बहुत जल्दी एडिट कर लेते हैं। तो आप बिगनर हो, आप बहुत थोड़ा भी स्टार्टिंग की हो तो थोड़ा अच्छे से काम करना, मन से काम करना, आपका जो फोटो है परफेक्ट बनेगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो गाइस हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी सीखें और फोटो एडिट करें। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।